सांस फूलती थी, पहले सांस में तकलीफ होती थी। जो यहाँ शिविर लगा था उसमें हम गए, जांच करवाई तो फिर किरोस्टार निकला मेरे, उसमें गोली दवाई चली मेरी, खान पान में भी फर्क आ गया, अच्छा खा रहा हूँ मैं। ये शिविर नहीं लगता तो क्या क्या हो जाता, मैं मर जाता, कुछ भी हो जाता, हार्ट अटैक भी आ सकता था, हार्ट अटैक से मेरी मौत भी हो सकती थी। अब मैं स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हूँ। पालदाखेड़ा की सब्जी विक्रेता विजय सिंह चुंडावत को जैसे नई जिंदगी मिल गई है। विजय सिंह की तरह जावद विकासखंड के सभी 2,00,000 लोगों का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर उनके पूरे मेडिकल रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। यानी एक क्लिक पर हर व्यक्ति की सेहत की कुंडली उपलब्ध होने के साथ ही बड़ी बीमारियों से लोगों को बचाने की सुखद पहल। जावद विकासखंड के हर घर के हर व्यक्ति की सेहत की फिक्र करने वाले शिवराज कैबिनेट के मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा का यह नवाचारी और दूरगामी प्रयास आत्मनिर्भर भारत की नई सोच का द्योतक है। उनकी ये जनहितैषी सोच दुनिया के विकसित देशों से भी कहीं आगे है। इसका डाटा बनेगा और इस डाटा से ये एस्टेब्लिश होगा कि आदमी का प्रिवेंटिव चेकअप से बीमारी बढ़ने से रुकेगी, कैजुअलिटी रुकेगी, आत्मनिर्भर भारत की मूल नींव स्वस्थ निरोगी काया है। जावद तहसील में 13 अलग अलग स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं। यहां भारत सरकार की आभा आईडी के साथ लिंक करते हुए हर व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इसमें बीपी, शुगर, ECG, थायराइड सहित कैंसर के लिए मेमोग्राफी और हड्डियों के लिए एक्सरे समेत 25 से ज्यादा बीमारियों की जांच की जा रही है। जांच के दौरान जिन लोगों में गंभीर बीमारियों के लक्षण पाए गए हैं उन्हें समुचित इलाज भी दिया जा रहा है। वह जड़ गठिया की बीमारी की तब बीमारी कटो आगा बीमारी खत्म कीजिए वटो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। 3 से 4 हजार में होने वाली ये जांचें यहाँ पूर्णतया निःशुल्क है। इसके लिए हार्बर विजन प्राइवेट लिमिटेड को अपडेटेड मशीनों के साथ सभी प्रकार की जांच के लिए प्रशासन ने जिम्मेदारी सौंपी है। कंपनी अपनी 100 से अधिक ट्रेन्ड स्टाफ के साथ अगले 2 महीनों तक इस अभियान को चलाएगी। प्रशासन ने बकायदा इस अभियान की जागरूकता के लिए गांव-गांव जाकर यूथ एम्बेसडर बनाते हुए चौपालें लगाई। हम हर रोज 25 से 26 कैंप्स कर रहे हैं जिसमें 2,500 से 3,000 पेशेंट्स खुद की इच्छा से आके निःशुल्क जाँचों का लाभ उठा रहे हैं। प्रत्येक गांव से हमने यूथ एम्बेसडर्स बनाए हैं जहां पर उनके ही बीच के बच्चे जाकर उनको मोटिवेट करते हैं और उसके एज अ रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है लोग स्वयं आकर अपना टेस्ट करवा रहे हैं, वो अपना आभा आईडी भी क्रिएट करवा रहे हैं। दरअसल चौकनखेड़ा गांव में कुछ युवाओं की अचानक हुई असामयिक मौत के मामलों से खुद इलाके के मंत्री श्री सकलेचा हैरान थे। ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो इसके लिए उन्होंने इलाके के सभी 2,00,000 लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण का बीड़ा उठाया। खुद मंत्री जी अपने स्वेच्छानुदान से ये स्वास्थ्य परीक्षण करवा रहे हैं। बीमार होने के बाद तो सभी टेस्ट और ये सब होते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोगों के पहले ही टेस्ट करके ये पता लगाया जा रहा है कि उनको भविष्य में कोई बीमारी होने की संभावना तो नहीं है। तो प्रिवेंशन के क्षेत्र में ये मॉडल जो है एक नई ऊँचाइयों तक लेकर जाएगा। मेरी सेहत की फिक्र करने के लिए शुक्रिया। बीमार न रहेगा अब लाचार, बीमारी का होगा मुफ्त उपचार।